नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोने। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बात करेंगे और वो टॉपिक जो है वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, गूगल बचाओ अभियान, सेव गूगल मोमेंट। इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो मोमेंट है ये मैंने स्टार्ट किया था 2007 में एक प्लांट को बचाने के लिए, जिसको सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में गूगल के नाम से जाना जाता है और जिसको बॉटनिकल नेम कॉमीफोरा वीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्लांट है कॉमीफोरा वीटी, गूगल का जो प्लांट है, इसको संरक्षित करने के लिए हमने जो मूवमेंट चलाया उसको हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिला। यूनेस्को फ्रांस ने हमारा इंटरव्यू छापा, कहीं हमें अवार्ड्स मिले। इसलिए अवार्ड्स मिले क्योंकि हमने लैब में भी काम किया और ग्राउंड लेवल पर जाकर भी हमने गूगल के प्लांट्स को लगाए, काफ़ी संख्या में लगाए। ये एक, आप जानते होंगे कि IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये क्या करता है, हर साल एक लिस्ट निकालता है जिसमें थ्रेटेंड प्लांट्स होते हैं, कि लिस्ट होती है, थ्रेटेंड प्लांट्स की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, इनकी परफेक्ट लिस्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें यदि आप देखेंगे कॉमीफोरा वीटी प्लांट को, गूगल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि इस प्लांट को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में ये प्लांट हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इसीलिए ये प्लांट कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट पाया जाता है हमारे राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ जो है, और वो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात में भी जाती है, तो वहाँ पर जो सैंडी हिल्स है, रेत की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये स्लोप में पाया जाता है। एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्लांट किस तरह का दिखता है। जब प्लांट के ऊपर पत्तियाँ नहीं होती तब ऐसा दिखता है, और जब जब है ना रेनी सीजन आता है तो इस पर स्प्राउटिंग हो जाती है और पत्तियाँ भी निकलने लगती है। तो ये प्लांट देखिए किस तरीके से ग्रो करता है, हिल्स के ऊपर ग्रो करता है। और इस अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतना सुंदर प्लांट है, राजस्थान की धरती पर पाया जाता है, अरावली की पहाड़ियों पर पाया जाता है, ये लुप्त क्यों हो गया? देखिए लुप्त क्यों हो गया उसका कारण बताता हूँ। इस आप डायग्राम को देखिएगा, इसमें तने को देखिए, इसके स्टेम को देखिए, इसमें से गौन निकल रहा है। जब इस पर कट करते हैं तो इससे पीले कलर का गौन निकलता है, ये ओलियोगम रेजिन होती है। ओलियोगम रेजिन क्या होती है, बहुत सारे दवाई में काम आती है। गूगल एक बहुत इंपॉर्टेंट औषधीय पौधा है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, इसकी गौन के कारण। ये जो गोंद है इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारी डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, और जॉइंटिस, कई सारी डिजीज़ में, मैं आपको नाम नहीं गिना सकता कि कितनी डिजीज़ के अंदर ये काम करता है। एर्थराइटिस के अंदर काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हार्ट डिजीज़ से बचाने के लिए। आयुर्वेद के अंदर इस प्लांट को हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए इस स्टेम को देखिए, जो गोंद निकल रहा है, इस गोंद के कारण ही, ये इसकी बहुमूल्यता के कारण ही, इसकी इंपॉर्टेंस के कारण ही ये पौधा धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लोइटेशन किया गया इसकी गोंद के कारण कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने किया, क्योंकि उनको अपना मार्केट चलाना था। दूसरा है, आपने सुना होगा गूगल की धूप, हवन करते हैं ना, धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं, हवन कर किया जाता है, अगरबत्तियां आती है, आपने देखा होगा गूगल की धूप के नाम से मार्केट में मिलता है। तो ये जो धार्मिक लेवल पे भी जाकर इस पौधे को इस तरह से धूप वगैरह बनाई गई, लोग हवन में जलाते हैं, तो इससे भी इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के कारण, औषधीय इंपॉर्टेंस के कारण, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के कारण इस गोंद का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और ये जो गोंद है ये लगभग 10 साल से जब बड़ा हो जाता है पौधा, उसका स्टेम जो होता है तभी उससे गोंद निकलती है, और जब इस पर कटिंग की जाती है, जब उस पर कट लगाए जाते हैं तो गोंद बाहर निकलती है। और इस गोंद जब बाहर निकलती है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद वो पौधे में जहाँ जहाँ कट लगाए गए हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो 10 साल का जो पेड़ है वो मर जाता है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा एक आपराधिक कृत्य है ये, कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को, हम अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो अगरबत्ती का बिजनेस हो, धूप का बिजनेस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस हो, हम लोग वाइल्ड स्पीसीज़ को, हम लोग प्लांट्स को किस तरह से ख़त्म करते हैं। आप ये दवाइयाँ बनाना भी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ दवाई बनाना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन खुद अपने प्लांट कल्टीवेट करें,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुद अपने प्लांट्स को कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। इस कारण से ये पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। और इसको बचाने के लिए मैंने अपनी लैब के अंदर इसका टिश्यू कल्चर किया। प्लांट बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू कल्चर जो हमने किया है कि इन विट्रो के अंदर इस प्लांट को डेवलप करने का प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया इन विट्रो का। इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को डेवलप करने में 5 साल लग गए, 5 ईयर्स प्रोटोकॉल को डेवलप किया और एक एफिशिएंट प्रोटोकॉल डेवलप किया। और उस एफिशिएंट प्रोटोकॉल्स के अंदर शूटिंग भी हुई, राइजोजेनेसिस भी हुई और उनको फाइनली ट्रांसफ़र भी किया गया एक्स विट्रो कंडीशंस के अंदर। तो बहुत बड़ा हमारी लैब का एक अचीवमेंट रहा। इसके अलावा जब हमको ये पता चला कि ये तो इन विट्रो का काम हो गया, लेकिन हमको इसको बचाने के लिए पौधा तब तक नहीं बच सकता जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाए। तो हमने क्या किया, गूगल बचाओ अभियान की शुरुआत की। पहले मैं सबसे पहले अकेला निकला और उसके बाद कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए गूगल बचाओ अभियान से। और आप देखिए कि हमने हर उस गांव के अंदर गए जहां पर ये पौधा ग्रो करता है, जहां की पहाड़ियों के आसपास जो गांव है वहां गए, लोगों को बताया कि इस पौधे को ना काटें, गलती से भी ना काटें, और आपके यहां कोई गौन निकालने आता है तो उसको रोकें और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दें। रियली में ये पौधा, हमने जब ये गूगल बचाओ अभियान शुरू किया एक एक गांव में जमीनी स्तर के ऊपर, आप देखिए हमने किस तरह से मीटिंग की, गांव वालों से मीटिंग की, जमीनी स्तर पे उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया जिसमें वो समझ सकते हैं, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज में समझाया कि इस पौधे को ना काटें। और केवल हमने इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम ही नहीं चलाए पूरे राजस्थान के अंदर, इसके अलावा हमने विलेजर्स को, ट्राइबल्स पीपल्स को अपने साथ मिलाकर हमने पहाड़ियों के ऊपर गूगल, जो हमने हमारे घर पे लगभग 25,000 से 30,000 जो पौधे थे स्टेम कटिंग से, उनको डेवलप किया था हमारे घर पर ही। और उनको ट्रैक्टर में भर के जब हम उनको पहाड़ों पे ले गए और वहाँ पे गांव वालों की मदद से हमने पहाड़ियों के ऊपर उन प्लांट्स को लगाया। तो चारों तरफ ये जो प्लांट था कई सारे अब प्लांट्स हो गए। और अभी भी हमने इतने सारे प्लांटेशन विलेजर्स और ट्राइबल्स पीपल्स की मदद से वहाँ पर किया, नेचुरल हैबिटेट्स में किया, पहाड़ों पे जाके किया। तो वास्तव में इसकी अब जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी केवल एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है, कुछ लोगों के प्रयास से संभव नहीं है। हम सबको मिलकर इस प्लांट को बचाना होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, गूगल बचाओ अभियान से आप जुड़िए और इस क्रिटिकल राजस्थान के इस क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट को जो कि IUCN के द्वारा क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, उसको बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। और इस पौधे को यदि हम बचा पाए, हर व्यक्ति यदि ये सोचे कि मुझे एक एक प्लांट्स को बचाना है, तो हम लोग IUCN के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं रेड डेटा लिस्ट से सब प्लांट्स गायब कर देंगे, हर प्लांट को कंजर्व कर देंगे। लेकिन ज़रूरत है, एक जज्बे की ज़रूरत है, एक आपके अंदर सोच की ज़रूरत है, लैब में काम करने की ज़रूरत है, लैब से निकलकर आपको पहाड़ों पे जाके ज़रूरत है, आपको पसीने बहाने की ज़रूरत है, तभी इस तरह के पौधे बच पाएंगे, अदरवाइज़ पौधे नहीं बच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गूगल बचाओ अभियान की, जो मेरी पर्सनल जो यात्रा थी इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। यूनेस्को जो फ्रांस है उसकी तरफ से मुझे अर्थ मूवर्स का अवार्ड दिया गया। इंटरव्यू पब्लिश होता है यूनेस्को फ्रांस के द्वारा अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जितने भी वर्ल्ड की लैंग्वेज है, रशियन हो गई, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, सबके अंदर हमारा इंटरव्यू पब्लिश हुआ कि राजस्थान के अंदर कोई पर्सन है जो कि खुद एक प्लांट्स को बचाने के लिए किस तरह से लगा हुआ है। इसके अलावा अर्थ मूवर अवार्ड भी हमें मिला और भी बहुत सारे हमें अवार्ड से ज़्यादा हमें लोगों का प्यार मिला, गांव वालों का प्यार मिला, ट्राइबल्स लोगों का प्यार मिला, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि हमारे लगाए हुए प्लांट में से लगभग 80% प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं और बड़े हो चुके हैं। जुड़िए, धन्यवाद, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी बातें करते रहेंगे हम लोग, छोटे छोटे से वीडियो लाकर, और लेकिन बहुत बड़ी सोच पीछे छोड़ के जाएंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।